आइए आपको मिलाते हैं गुरु हरिपाल जी से। तो दोस्तों आइए आपको मिलाते हैं गुरु हरिपाल जी से, जिन्होंने रवि पहलवान को तैयार किया है और छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। तो देख जानते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं। और गुरु जी नमस्कार। तो गुरु जी पहलवान तैयार है आपका, कैसे चल रहा था? और अच्छा चल रहा है, लगभग 25 साल से लगातार चल रहा है। कोरोना की वजह से बीच में बंद था। फिलहाल में जो राज्य में ऐसा नहीं करा रहा, प्रैक्टिस कर रहा था मिट्टी वगैरह। तो मतलब ये जो बच्चे यहीं के ही हैं, ये यहीं के ही हैं, बाहर के बच्चे नहीं? बाहर के नहीं। तो जो बच्चे यहाँ पर जो है या गांव में के हैं, जो मतलब कर्म बच्चे के यहाँ पे आते हैं डेली, उन्हीं के यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। तो रवि कैसा है गुरु जी? रवि अच्छा पहलवान है, मेरे पास तो लगभग 5 साल हो गए। और भाई अपनी ड्यूटी भी कर रहा है और अपनी प्रैक्टिस भी करता है। तो गरीब घर से है, लेकिन मैं भी कुछ मदद कर देता हूँ। जैसे मैं फीस तो लेता नहीं हूँ किसी से भी, किसी बच्चे से फीस नहीं लेता, उसकी मैं वैसे मदद कर देता हूँ बाकी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है गुरु हरिपाल, जिन्होंने ये नाथूपुर गाँव में अपने ये अखाड़ा अपने समाज को समर्पित किया हुआ है। यहीं पर रहते हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। रवि पहलवान जैसे अच्छे पहलवान इन्होंने तैयार किए हैं और ये जो अखाड़ा आप देख रहे हैं ये सब इन्हीं की देन है। और अभी इनके रूल हैं कि भाई बाहर से किसी बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवानी है, अंदर ही जो बच्चे हैं वही प्रैक्टिस करेंगे। और उन्होंने बताया कि रवि पहलवान जो है एक साधारण परिवार से हैं, तो वो चाहते हैं कि ये अच्छा पहलवान बने, तो अपनी तरफ से भी जो हो सकता है वो करते हैं। तो रवि मानता है पूरा कहना, पूरी मेहनत करता है? पूरी मेहनत करता है। और धमकाते हो कभी? वैसे धमकाना पड़ता है, अच्छा है, धमकाने पड़ जाता है। और इन छोटे बच्चों को प्रैक्टिस कराने में आपकी हेल्प करता है? हेल्प करता है, मैं फिर छोटे से बताते हैं, उसके बाद रवि कराता है। हाँ, सीनियर यही है। हाँ, तो गुरु जी बता रहे हैं कि भाई रवि पहलवान इनके साथ भी सहयोग करता है ताकि और बच्चे भी रवि की तरह बने। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा गुरु जी, अभी इस क्षेत्र में दंगल नहीं चालू है? नहीं है। हाँ, अभी दंगल नहीं हुआ। जैसे दशहरे पे टूनाइटा का दंगल था, ये भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या बात नहीं? कोरोना की वजह से नहीं हुआ, सरकार ने परमिशन नहीं दी। उसमें कोई भी दंगल लेना, दशहरा का ना, पूर्वा का, मुल्लाहेड़ा का, दौलताबाद का, वजीराबाद का, अराउंड कहीं कहीं भी दंगल। इस बार कोरोना की वजह से ये जो दंगलों की दिवाली के आसपास गोवर्धन पर ये जो दंगल होते थे 30 बार, ये दंगल जो है नहीं हो पाए कोरोना की वजह से, गुरु जी बता रहे हैं। और जो पहलवानों का जो खर्चा था, जैसे रवि पहलवान बता रहे हैं 31,000-51,000 पर ये कुश्ती लड़ते थे इन दंगलों में, तो वो जो आमदनी पहलवानों की होती है चाहे छोटे बच्चों की होती है, वो जो है नहीं हो पाई। और यही वजह है कि पहलवान आज जो है अपना जो है अल्टरनेटिव जो है कर रहे हैं मेहनत और जाते ड्यूटी पर। तो दोस्तों गुरु हरिपाल जी से मिलकर बहुत खुशी हुई, गुरु जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। धन्यवाद।